विद्युत ट्रांसफार्मर नहीं तो वोट नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। तौंधर विधानसभा में आगामी 17 नवंबर को होने वाले मतदान का ग्राम पंचायत सूती के ग्रामीणों ने किया बहिष्कार। विद्युत ट्रांसफार्मर नहीं तो वोट नहीं का लगाया नारा। 2 माह से अधिक समय से जला है सूती गांव का ट्रांसफार्मर। ग्रामीण लगा चुके विद्युत कार्यालय का चक्कर, नहीं हुई सुनवाई तो खोल दिया मोर्चा। वर्तमान समय में लोगों की सबसे अधिक जरूरत बिजली, पानी और सड़क की है, पर रीवा जिले के त्यौंथर तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत सूती के ग्रामीणों ने विद्युत ट्रांसफार्मर जले होने की वजह से बीते 2 माह से अधिक समय से अंधेरे में जीवन जी रहे हैं। पर रीवा जिले के त्यौंथर तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत सूती के ग्रामीणों ने विद्युत ट्रांसफार्मर जले होने की वजह से बीते 2 माह से अधिक समय से अंधेरे में जीवन जीने को है मजबूर। वहीं ग्रामीणों ने जब कई बार विद्युत कार्यालय का चक्कर लगाए तो विद्युत विभाग का अमला ने विद्युत ट्रांसफार्मर को बनने के लिए भेज दिया, पर शायद ट्रांसफार्मर लगवाना भूल गया। वहीं ग्रामीणों की जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो ग्रामीणों ने आंदोलन छेड़ दिया और आगामी 17 नवंबर को होने वाले मतदान का बहिष्कार कर दिया। साथ ही विद्युत ट्रांसफार्मर नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाना शुरू कर दिया। वहीं जब पूरे मामले पर ग्रामीणों ने बताया कि बीते 2 महीने से अधिक समय से अंधेरे में जीवन जीने को मजबूर है, वहीं खड़ी फसल भी सूखने के कगार में है, बच्चों की पढ़ाई चौपट है, वहीं ट्रांसफार्मर जलने की वजह से पोलिंग बूथ पर अंधेरा कायम है। पूरे मामले में विद्युत विभाग के कार्यपालन अभियंता ने बताया जल्द से जल्द विद्युत ट्रांसफार्मर लगवाया जाएगा। द खबरदार न्यूज से विजय तिवारी की रिपोर्ट। अरविंद सिंह है, ये ग्राम पंचायत सूती का ग्राम सूती है। आप लोग मतदान का बहिष्कार किया क्या कारण? हाँ, हम लोग मतदान का बहिष्कार करने का कारण ये कि विगत 2 माह से यहाँ का ट्रांसफार्मर जल गया है और 1 माह से यहाँ का ट्रांसफार्मर आप देख लीजिए, सामने देख लीजिए, यहाँ 1 माह से ट्रांसफार्मर उठा के ले गए हैं विद्युत विभाग वाले और आज दिनांक तक ट्रांसफार्मर यहाँ नहीं लगा है। हम लोगों ने ये मन बनाया है कि हम लोग सामूहिक बहिष्कार करेंगे। हमारे यहाँ पोलिंग क्रमांक 9 है, वहाँ भी लाइट नहीं है, बच्चों का पेपर होने वाला है, लाइट की समस्या है। अभी तत्काल में हमारे गांव में जोखू आदिवासी है, उसके यहाँ किरवा निकला था। मतलब कहना चाहिए बहुत सारी विसंगतियाँ हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, ट्रांसफार्मर लग नहीं रहा है। हम लोगों ने जय साहब से बात किया, डी मैडम से भी बात किया, कोई आश्वासन नहीं है हम लोगों को। आज लग जाएगा, कल लग जाएगा। आप देखिए, मैं ये धान लिया हूँ, ये धान पूरा एकदम सूख गया भैया पानी की वजह से। 3 महीने से यहाँ ट्रांसफार्मर नहीं है। हम लोग बिल्कुल इस बार मन बना लिए हैं कि 17 तारीख को वोट होना है, हम लोग वोटिंग इस बार नहीं करेंगे, बहिष्कार करेंगे पूरे गाँव के। ये हमें सब लोग हैं हमारे गाँव, हम लोग पूरे गाँव वाले मिलकर वोट का बहिष्कार करेंगे। कौन सा गाँव है? सूती। आप लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया है और नारेबाजी भी की है, क्या कारण है? इसका कारण ये है कि विगत 2 माह से ट्रांसफार्मर गांव का, हमारे मेन गांव का जो सूती मेन गांव है, यहां का ट्रांसफार्मर जला हुआ है। यहां कई बार शिकायत की गई, यहां कोई अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। पूरे यहां बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, खेती पूरी सूख गई, धान की पथरीला इलाका है, पूरा खेती सूख गई है, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही, किसी को मोबाइल चार्ज नहीं हो रहे, बहुत समस्याएँ हैं। इसलिए हम लोग मतदान का बहिष्कार करेंगे। आपने वरिष्ठ अधिकारियों को भी बताया? वरिष्ठ अधिकारियों को बता दिया, सब फोन से बता दिया, रूबरू जाके बता दिया है, सबको, सभी अधिकारियों, डी मैडम को, सबको बताया गया। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन आजकल कर रहे हैं, ये तो 1-2 महीने से हम लोग देख रहे हैं, 1-2 महीने से देख रहे हैं, आजकल कर रहे हैं, नहीं लग रहा। वहाँ का देखिए ट्रांसफार्मर जला हुआ था, हमने निकलवा भी दिया, उसको सुधरवाने भेज भी दिया है, लेकिन अभी वहाँ पे जो बकाया राशि है उसके अनुसार जो अपने नियम है कि 10% जो बकाया राशि है उसका 10% जमा करना होता है, उतना जमा भी नहीं है, उसकी सूचना नहीं आई है, तो जैसे ही जमा होता है हम वैसे ही करा देंगे उसको। और इसके अलावा भी लाइनमैन वहाँ जा रहे हैं, सभी जगह जहाँ ट्रांसफार्मर जले हैं वहाँ लाइनमैन जाके वसूली का कार्य कर रहे हैं, 10% जमा होते ही हम सभी जगह ट्रांसफार्मर लगवा रहे हैं। और वहाँ पोलिंग बूथ भी है, तो उसकी व्यवस्था क्या रहेगी? आप कहते हैं वो नहीं जमा पाता? नहीं, अगर देखिए पहले तो अभी समय है काफ़ी, तो हमारे लाइनमैन कोशिश कर रहे हैं कि 10% जमा हो जाए, हो ही जाता है जनरली, 2-4 दिन में हो जाता है अगर डेली जाते हैं तो, नहीं होता है तो हम कुछ ना कुछ पोलिंग बूथ के लिए व्यवस्था कर दी जाएगी। पोलिंग क्रमांक सर कौन ग्राम पंचायत जाता है? ये सूती ग्राम पंचायत। यहाँ लाइट की क्या व्यवस्था है? आपके यहाँ पता चला है कि यहाँ ट्रांसफार्मर जला हुआ है? हाँ, ये सूती ग्राम में एक ट्रांसफार्मर है गांव के बीच में, जो आज अभी 15-20 दिन से जो है वो जल गया है, जिससे थोड़ी समस्या है। तो क्या आपके यहाँ क्या मतलब व्यवस्था लाइट की, जो आपकी पोलिंग व्यवस्था की गई है, तो ट्रांसफार्मर जला हुआ है, क्या आपने कहीं सूचना या लिखित में कोई किया है?
इसके लिए जो है वो चुनाव आयोग के कई लोग जो है आए थे यहाँ पोलिंग जांच करने के लिए, तो उनसे बताया भी गया है और गांव के तरफ से जो है वो ग्राम पंचायत सरपंच ने और साथ में मैं भी बिजली विभाग से भी बात किया हूँ कि मैंने यहाँ का ट्रांसफार्मर जला है ग्राम पंचायत समिति का, और यहाँ पर एक विद्यालय का कार्यक्रम भी था जहाँ पर विधायक भी आए हुए थे, उनके समक्ष भी इस तरह की चर्चा हुई कि यहाँ का ट्रांसफार्मर भी जल गया है, इसको लगवाया जाए, नई पोलिंग बूथ का काम प्रभावित होगा। विनय सिंह है, कौन सा रोड? हमारा गांव सूती है, सूती पंचायत में है। आप लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया, क्या कारण? जी, इसलिए हम लोग मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं क्योंकि यहाँ 3 महीने से यहाँ लाइट नहीं है। पिछले 3 महीने से हमारा ट्रांसफार्मर जला है, कोई सुनवाई यहाँ पर नहीं हो रही है, ना कोई कर्मचारी सुन रहा है, ना कोई अधिकारी सुन रहा है। सबसे बड़ी समस्या है, पहले यहाँ मिट्टी का तेल भी मिल जाता था 5 साल पहले, आज वो भी नहीं मिलता है। आज ना हम खाना बनाने में समस्या है, खाना खाने में समस्या है, पढ़ाई उढ़ाई की तो बहुत दूर बात है, पढ़ाई कैसे करेंगे बच्चे, बाकी खाना बनाने खाने में दिक्कत आ रही है, कैसे खाना बनाएंगे, कैसे खाएंगे। इसलिए हम लोग चाहते हैं इस बार हमारे गांव के पूरे समाज हमारा सब इकट्ठा है, इस बार कोई वोट नहीं करेगा, वोट का बहिष्कार करेंगे। जब तक हमारा ट्रांसफार्मर नहीं लग जाएगा, हम लोग पूरा एकत्रित होकर इस बार वोट का बहिष्कार करेंगे, वोट नहीं देंगे। अधिकारियों के पास आप गए क्या? हम लोग अधिकारियों के बार एक बार नहीं, कई बार जा चुके हैं, कई कई लोग जा चुके हैं यहाँ से। डी मैडम भी यहाँ आई थी, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि नहीं, 1-2 दिन में लगवा देंगे, बार बार यही आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है। बहुत दिक्कत है यहाँ, बहुत सारी समस्याएं हैं, लाइट के वजह से ना जाने कितने लोग यहाँ परेशान रहते हैं, ना पानी आता है, ना कुछ आता है। आजकल भाई ज़्यादातर लोग बोर से पानी भरने लगे हैं, उसमें भी समस्या है, पानी पीने के लिए बहुत दूर दूर तक जाना, क्योंकि नल की भी बहुत समस्या है, नल है नहीं यहाँ पर, पानी पीने के लिए यहाँ बांध है, वहाँ से लोग पानी पीने के लिए बांध से लेकर आते हैं, 2 किलोमीटर दूर जाते हैं पानी लेकर आते हैं पीने के लिए, बताइए इतनी समस्याएं आ गई हैं इस समय। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।